25 ईयर ओल्ड फीमेल। इन सेक्रेटरी आपको एज सेक्स सब कुछ देखना है, राइट, प्रॉपर हिस्ट्री देखनी है, तभी आप डायग्नोस कर सकते हैं। 25 ईयर ओल्ड फीमेल वॉज ब्रॉट टू द कैजुअलिटी आफ्टर द एलिजली अटेम्प्ट सुसाइड। सुसाइड अटेम्प्ट इज देयर, कैजुअलिटी एमरजेंसी में लेके आए। हर रिस्ट आर स्लैश्ड, तो स्लिटिंग द रिस्ट। शी हैज़ ए पास्ट हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द, पास्ट हिस्ट्री है डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देर इज प्रॉब्लम विद द रिलेशनशिप्स। ऑल्सो रिकरेंट मूड फंक्शन एपिसोड्स, रिकरेंट मूड डिसऑर्डर्स, मूड फंक्शन एपिसोड, सो मूड स्टेबल नहीं है, इनस्टेबल मूड। वाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो देखिए टिपिकल है यंग फीमेल, राइट, यंग फीमेल है हैविंग प्रॉब्लम विद द मेंटेनिंग द रिलेशनशिप। मोस्टली दीज फीमेल्स आर हैविंग मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल ब्रेकअप्स, मूड स्विंग्स आर वेरी फ्रिक्वेंट एंड हैविंग द recurrent suicidal attempts. So that is a typical history for borderline personality disorder, BPD, borderline personality disorder. Histrionic personality जो है, they are dramatic personality, right? वो drama create कर सकते हैं, suicide नहीं करेंगे. Borderline personality, they are having the frequent mood swings, they can do the or can have the suicide attempts also. Depression के कोई इसमें symptoms नहीं लग रहे, सिर्फ suicide attempt करना कोई depression नहीं है, low mood होना, anhedonia, वो सब होते हैं, तो वो नहीं है, तो histrionic वाला भी कोई scene नहीं है यहाँ पर. Schizophrenia में delusions, hallucinations, delusions होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पर, right? So no low mood, no delusion, no hallucination. Nothing, only simply mood swings, interpersonal relationships maintain नहीं हो रहे हैं, suicide attempt कर रहे हैं, that is typical borderline personality, right, BPD. Next, a female of lower socioeconomic class, so again female है, low socioeconomic status, believes that film actor Shahrukh Khan is in love with her. उसको ऐसा बिलीफ हो गया है. वेन एवर शी वॉचेज हिज मूवी शी फील्स दैट ही इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स हर एंड कीप सेंडिंग लव मैसेज, राइट. अब ये तो आप बोल सकते हैं कि उसको वहम हो गया है, राइट, सो टिपिकल वही है, वहम ही है. द डायग्नोसिस इज, अब शाहरुख तो उसको जानता भी नहीं है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसका, कोई शाहरुख से कोई मीटिंग वीटिंग भी नहीं हुई होगी, राइट, कोई ऐसा उसका प्रोफेशन भी नहीं है कि कभी शाहरुख उससे मिल लिया हो, इसलिए ये सिर्फ उसका वहम है, राइट, इट उसका फॉल्स बिलीफ है. शी बिलीफ दैट, सो दैट इज फॉल्स बिलीफ, राइट. सो फॉल्स बिलीफ इज बेसिकली डेल्यूजन, फॉल्स बिलीफ इज डेल्यूजन, बट यू कॉन्ट चेंज दिस बिलीफ. आप एविडेंस भी देंगे तो भी चेंज नहीं हो सकते बिलीफ, सो दैट इज टिपिकल डेल्यूजन, फॉल्स फ्रॉम बिलीफ. अब वन बाय वन ये सारे जो हैं, डी क्लेरेनबोल्ट सिंड्रोम, दैट इज डेल्यूजन, दैट इज डेल्यूजन ऑफ लव, डिलीजन ऑफ लव. मोस्टली आपको जो हाई फाई लोग हैं, जो हाई स्टेटस लोग हैं, उनसे आपको लगने लग जाता है कि वो हमसे प्यार करते हैं. ओथेलो सिंड्रोम, दैट इज डिलीजन ऑफ इनफेडिलिटी, अपोजिट हो गया, इनफेडिलिटी की पार्टनर धोखा दे रहा है, दैट इज ओथेलो सिंड्रोम. पार्टनर लॉयल है लेकिन लग रहा है कि लॉयल नहीं है, राइट, तो उसके लिए शक्की हो जाना, दैट इज ओथेलो सिंड्रोम. इरोटिक बिहेवियर, इरोटिक बिहेवियर इज बेसिकली मोर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल एक्टिविटीज, मोर सेक्सुअल एक्टिविटीज, तो उसको हम बोलते हैं इरोटिक बिहेवियर, राइट, कि बार बार लिबिडो बेसिकली ज़्यादा होती है, इनकी सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा है. मेगेलोमेनिया एंड डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, सो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी इज ऑल्सो डेल्यूजन. ग्रैंडियोसिटी मीन्स हवाबाज बेसिकली आप बोल सकते हैं, सो रिच वाली बहुत फीलिंग आना, मैं बहुत रिच हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट, ऐसा फीलिंग आना, दैट इज ग्रैंडियोसिटी, कि अपुनी भगवान है टाइप से आप बोल सकते हो, राइट. तो यहाँ पे दी क्लेरेनबोल्ट सिंड्रोम और डेल्यूजन ऑफ लव है, राइट. सो टिपिकली हिस्ट्री होगी कि ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला आपको प्यार करता, जो कि बहुत हाई स्टेटस है.
so de Clermont syndrome. Next, a 20-year-old boy, अभी boy है 20-year-old है, was all right 2 days back. Since then he feels that people are abusing him. He feels, ऐसा नहीं कि confirm है, he feels. He complains of hearing of faint voice when no one around. उसको आवाज़ें भी सुनाई दे रही है, that is means auditory hallucination. Aggressive behavior since 2 days. अब उसको गुस्सा आ रहा है. He has fever since 2 days. He has no past history of any such episode. पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है. Family members also report that he has been muttering to self. खुद से ही बातें करता रहता है कुछ कुछ. What is the likely diagnosis? So, one by one, dementia. Dementia is basically the memory loss and cognitive dysfunction. तो ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है. And delirium. Delirium is confusion like state. तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है, no confusion like state. Sorry. तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. Delusional disorder, false belief. फॉल्स बिलीफ इज डिफरेंट, यहाँ पे तो वॉइस सुन रही है उसको, हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं. सो देर इज़ नो फॉल्स बिलीफ ऑल्सो. अक्यूट साइकोसिस, दैट इज पॉसिबल. लेस देन 1 week एपिसोड रहते हैं, लेस देन 1 week ड्यूरेशन. ड्यू टू एनी अक्यूट कंडीशन साइकोसिस अकरिंग, दैट इज कोल्ड एज अक्यूट साइकोसिस और कोल्ड एज ब्रीफ साइकोसिस. सो अक्यूट साइकोसिस और ब्रीफ साइकोसिस एपिसोड हो सकता है. Why? Because यहाँ पे hallucinations हैं, hallucinations are commonly seen in the psychotic, right? Hallucination है, so auditory hallucinations are there. It means the possibility of psychosis is there. दूसरा, he has fever since 2 days. तो maybe in pyrexia या meningitis वगैरह हो, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है. तो trigger will be there. So it is the acute brief psychosis episode due to any trigger. जैसे ही ट्रिगर ख़त्म, बंदा नॉर्मल हो जाता है. तो वो ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड है. अगर स्किज़ोफ्रेनिया होगा या स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर होंगे तो वो लॉन्ग टर्म हो गया, मोर देन 1 week रहेगा. अप टू 6 months आप बोल सकते हैं कि इट विल बी स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म, बट मोर देन 6 months इट विल बी स्किज़ोफ्रेनिया, राइट? तो ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं है. तो इट इज़ टिपिकल अक्यूट ब्रीफ साइकोसिस. हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस आर करेक्टरिस्टिक फॉर दैट, राइट? कि साइकोसिस है. ए मैन फील्स, मैन है, दैट हिज नोज इज टू लॉन्ग. फ्रेंड्स फील्स अदरवाइज, बाकी दोस्त बोलते नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो बोलता है बहुत लंबा है. ही इज कंसल्टेड 3 plastic surgeons बट ऑल हैव रिफ्यूज टू ट्रीट हिम. प्लास्टिक सर्जन्स के पास जा रहा है, वो बोलते ऐसा कुछ है ही नहीं, क्या ट्रीट क्या करें आपका नोज तो बिल्कुल ठीक है. ही सफर्स फ्रॉम व्हाट कंडीशन. सो अगेन ऐसा उसको बिलीफ हो गया है. सो दिस इज अगेन फॉल्स बिलीफ रिलेटेड टू बॉडी मॉर्फोलॉजी. फॉल्स बिलीफ रिलेटेड टू बॉडी मॉर्फोलॉजी. अब किसी भी चीज़ से फॉल्स बिलीफ हो सकता है, आपकी मॉर्फोलॉजी से, फीलिंग से, वट एवर. सो इट इज द डेल्यूजनल डिसऑर्डर, डेल्यूजनल डिसमोरफोबिया, डेल्यूजनल डिसमोरफोबिया. What is Munchausen syndrome? Munchausen syndrome is basically hospital addicts. इनको hospital environment जो है, hospital में इनको अच्छा लगता है because इनको attention मिलता है. So these are hospital addicts. They get attention in the hospital environment. They know how to get attention. उनको पता है कैसे attention लेना है. बार बार admit होते रहते हैं, बार बार discharge होते रहते हैं. So Munchausen syndrome is hospital addicts or hospital hops. तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि वो कहता है कि मेरे को एडमिट कर लो, इंसिस्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं है. मुंचूसन में इंसिस्ट करते हैं कि मुझे एडमिट करो, एग्जेग्रेट करके बताते हैं अपनी कंप्लेंट. सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, यहाँ पे पेन, GIT, सेक्स, राइट? ऐसे मल्टीपल न्यूरोलॉजी, मल्टीपल कंप्लेंट्स होंगे, राइट? ऐसे मल्टीपल कंप्लेंट्स होंगी, दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, पेट में दर्द है, डायरिया हो गया है, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, राइट? सो ये सब मल्टीपल कंप्लेंट्स होंगी,
और उसके लिए कोई डिजीज से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दैट इज सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। साइकेट्री में ऑलवेज फर्स्ट रूल आउट द मेडिकल इलनेस। अगर नहीं आपको लग रहा है मेडिकल इलनेस, इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं लग रहा है, तो फिर आप सोच सकते हो कि साइकेट्रिक हो सकता है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस इज डिल्यूजन ऑफ सीरियस इलनेस। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसको कोई सीरियस इलनेस हो गया। पेशेंट आके बोलता है कि मुझे चेस्ट में, मैं स्मोकिंग करता हूँ तो आई हैव लंग कैंसर, मेरे को चोट लगी थी सर में, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया, राइट। तो ऐसी बातें करेगा, सीरियस इलनेस वाली, छोटी मोटी नहीं। सो इट इज़ डिसमॉर्फोबिया, डेल्यूजनल डिसमॉर्फोबिया रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी, राइट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज सजेस्टिव ऑफ एन ऑर्गेनिक कॉज ऑफ द बिहेवियरल सिम्टम्स। दो होते हैं ऑर्गेनिक एंड फंक्शनल। फंक्शनल इज साइकेट्रिक, ऑर्गेनिक मीन्स मेडिकल। फंक्शनल, तो फंक्शनल है तो साइकेट्रिक होगा, ऑर्गेनिक है तो देयर इज सम पैथोलॉजी, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर, इन फंक्शनल ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस आर कॉमन, इन ऑर्गेनिक विजुअल हेल्यूसिनेशंस आर कॉमन। हेल्यूसिनेशंस में ये डिफरेंस है। सो वन बाय वन, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, थॉट डिसऑर्डर है, राइट। फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर दैट इज टिपिकली फंक्शनल डिसऑर्डर। थॉट डिसऑर्डर है, थॉट को आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। सो थॉट डिसऑर्डर इज टिपिकली फंक्शनल। सो जैसे कि डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशंस, ये सब होंगे। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस आई टोल्ड यू इट इज कॉमन इन द फंक्शनल नॉट ऑर्गेनिक। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ऐसा लगना कि वो मेरे अगेंस्ट कोई साजिश कर रहा है, राइट, मुझे मार देंगे। सो वो भी फंक्शनल है, राइट, डेल्यूजन हो गया। सो डेल्यूजन, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, दीज आर कॉमनली सीन इन द फंक्शनल। विजुअल हेल्यूसिनेशंस दैट इज सीन इन द ऑडिटरी, दिस ऑर्गेनिक कॉज। विजुअल हेल्यूसिनेशंस सीन इन द ऑर्गेनिक कॉज, लाइक एल्कोहलिक, क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट में ऐसा हो सकता है, ड्यूरिंग डिलीरियम ट्रेमेंस, थायमिन डेफिशिएंसी से ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक कोज कोई हो सकता है। सो रिमेंबर, ऑडिटरी हेलुसिनेशन सीन इन द फंक्शनल, विजुअल हेलुसिनेशन सीन इन द ऑर्गेनिक। देन 5-year-old बॉय, 5 साल का बच्चा, इज ब्रॉट टू द साइकियाट्रिस्ट बिकॉज ही हैज डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन, difficulty in paying attention in the school. He fidgets and squirms and will not stay seated in the class. सीट पर बैठता नहीं है, इधर उधर हाथ पैर हिलाता रहता है, इधर उधर देखता रहता है। At home he is noted to talk excessively and has difficulty waiting for his turn. घर पर वो उल्टा है, is noted to talk excessively and has difficulty waiting for his turn, बहुत ज़्यादा बोलता है। His language and motor skills are appropriate. Language normal है, motor skills normal है, appropriate है, तो कोई language problem, motor skills problem नहीं है, तो कोई ऐसा developmental delay नहीं है। Which of the following is most likely child diagnosis? क्या diagnosis हो सकता है? So देखिए, एक तो 5-year-old boy है, 5 year, so 5-year-old boy है तो कोई anxiety वाला चक्कर नहीं है। मोस्टली एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है इनिशियली व्हेन गोइंग टू स्कूल, बट 5 year मीन्स ऑलरेडी वो एक दो साल स्कूल जा चुका है, राइट। सो ऑलरेडी 1-2 year इन द स्कूल, सो सेपरेशन एंजाइटी वाला कोई चक्कर नहीं है, राइट। फर्स्ट टाइम स्कूल नहीं जा रहा है, तो इनिशियली जब स्कूल जाता है बच्चा, तो सेपरेशन एंजाइटी बहुत कॉमन है। परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, आई ऑलरेडी टोल्ड कि भाई कोई डेवलपमेंटल डिले नहीं है, कोई उसको ऐसा नहीं है कि मोटर स्किल्स प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, तो एस्पर्जर, रेट सिंड्रोम, ये सब भी कुछ नहीं है। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में टिपिकली होता है कि उल्टा बोलना, राइट, रिवर्ट बैक, आप उसको कुछ बोलोगे वो जवाब देगा तुरंत, तो ऐसा भी नहीं है। वो तो बोल रहे अटेंशन नहीं देता है, जबकि अपोजिशनल डेफेंट में कंप्लेंट आती है कि उल्टा बोलता है, टीचर से उल्टा बोलता है, बदतमीजी करता है, फ्रेंड्स से उल्टा बोलता है, मारपीट नहीं करता, ध्यान रखना, उल्टा बोल रहा है, एग्रेसिव हो गया। घर पे भी वही कंप्लेंट होंगी,
सेम ये स्कूल एज प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है। कंडक्ट डिसऑर्डर में वो मारपीट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, अपोजिशनल डिफेंट में सिर्फ उल्टा सीधा बोलता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं करता है, तो ये डिफरेंस है। ये ADHD हो सकता है, साइकेट्री में आप कंफर्म नहीं बोल सकते, आप पॉसिबल डायग्नोसिस बनाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ अटेंशन है, ही इज़ पेइंग डिफिकल्ट अटेंशन इन द स्कूल, एंड घर पे हाइपर एक्टिविटी भी है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्योंकि एनर्जी बच रहा है तो कहीं ना कहीं वो हाइपर एक्टिव रहेगा, सो इट इज़ टिपिकली ADHD। फार्माकोलॉजी में हमने आपको बताया था कि मेथाइलफेनिडेट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, इंक्रीज द अटेंशन स्पैन, पहले एम्फिटामिन यूज करते थे, अब मेथाइलफेनिडेट। 20-year-old presented in the emergency department with sudden onset tachycardia, sense of impending doom, no significant abnormality on the lab test, ECG cardiac marker सब normal हैं, 20 साल का है तो वैसे ही heart risk कम है, फिर भी lab test ECG वगैरह हम करवाते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो भी normal हैं, so what is the possible diagnosis, so young age में अगर आप सडन टैकीकार्डिया इम्पेंडिंग डूम MI जैसा अटैक, हार्ट अटैक जैसी फीलिंग के साथ आ रहे हैं और आपके लैब टेस्ट नॉर्मल हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि ये क्या है, टिपिकल एक्यूट पैनिक अटैक है, ये कोई एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। एंजाइटी डिसऑर्डर में तो लॉन्ग टर्म एंजाइटी होगी, राइट, ये तो अक्यूट एपिसोड है, साइकोसिस नहीं है, देर इज़ नो साइकोटिक सिम्टम, डिल्यूजन हेलुसिनेशंस कुछ भी नहीं है, कन्वर्जन डिसऑर्डर भी नहीं है, राइट, सो कन्वर्जन डिसऑर्डर में जैसे हिस्टेरिक होता है पेशेंट, वो भी नहीं है, यहाँ तो सडन टिपिकल अक्यूट एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, पैनिक अटैक में पेशेंट आ रहा है। ट्रीटमेंट में यहाँ पे हम बेंजोडाइजपिन यूज करेंगे और बीटा ब्लॉकर्स यूज करेंगे, सिम्पेथोलाइटिक्स, राइट, तो ये पैनिक अटैक है और बार बार हिस्ट्री होती है कि कभी भी उसको पैनिक अटैक आ जाता है। यंग मेल इज स्टार्टेड ऑन हाई पोटेंसी एंटीसाइकोटिक्स, हाई पोटेंसी इंजेक्टेबल हेलोपेरिडोल और 5 mg ट्वाइस ए डे, पेशेंट डेवलप्स टंग प्रोट्रूजन, इम्पेयर्ड स्वेलोविंग, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, तो क्या डेवलप हो गया, इम्पेयर्ड स्वेलोविंग, टंग प्रोट्रूजन, दीज आर टिपिकल एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, राइट, मसल डिस्टोनिया हो रहा है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, एंटीसाइकोटिक जैसे कि हेलोपेरिडोल, दे आर हैविंग द रिस्क ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल, स्टॉप द मेडिकेशन इमीडिएटली एंड नो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा, कन्वर्जन डिसऑर्डर है, नो ट्रीटमेंट नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं है, रिड्यूस द डोज ऑफ एंटीसाइकोटिक एंड गिव द प्रोपेनोलोल, नो प्रोपेनोलोल इज नॉट हैविंग एनी रोल इन दिस, ये कोई एकेथीशिया नहीं है कि आप प्रोपेनोलोल देके उसके ट्रेमर्स को या रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करेंगे। इन EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स फॉर लाइक डिस्टोनिया, दैट इज टिपिकल डिस्टोनिया, वी गिव द सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स और फर्स्ट जनरेशन एंटीस्टामिनिक, सो उसको बेंज हेक्जोल या THP जिसको हम बोलते हैं वो आपको देना है, बेंज हेक्जोल और THP और एंटीस्टामिनिक्स दे सकते हो क्योंकि दे आर ऑल्सो हैविंग द एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी, सो यू कैन यूज द प्रोमिथाजिन लाइक ड्रग, फिनार्गन, प्रोमिथाजिन लाइक ड्रग, फर्स्ट जनरेशन एंटीस्टामिनिक, दे हैव द एंटीकोलर्जिक एक्टिविटी, तो सेंट्रल एंटीकोलर्जिक्स देनी है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स लाइक मस्कुलर डिस्टोनिया, राइट, तो मोस्टली आजकल कॉम्बिनेशन से आते हैं हेलोपेरिडोल प्लस प्रोमिथाजिन, वो आप यूज कर सकते हैं। देन फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्निडर्स फॉर स्किजोफ्रेनिया इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में एक तो इम्पोर्टेंट आपका हो गया ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस होते हैं, इन ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस इट कुड बी प्राइमरी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, सेकेंडरी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, टर्सरी ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, राइट, एक तो ये आपके होते हैं, उसके अलावा आपकी थॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, राइट, एक्शंस पे, फीलिंग्स पे, ये मेरी फीलिंग नहीं है, ये मेरी थॉट नहीं है, मेरे एक्शंस नहीं है, राइट, मींस समवन एल्स थॉट, समवन एल्स इज डूइंग द एक्शन, समवन एल्स फीलिंग, इसलिए कभी रोता है कभी हंसता है, राइट,
कभी एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से में मार भी देता है, राइट, उल्टा सीधा बोलता है। तो ये सब इसलिए कि किसी और की थॉट उसमें आ गया, ऐसा उसको लग रहा है। तो ये हो गया, सोमेटिक पैसिविटी होगा, प्राइमरी डेल्यूजन्स होंगे, राइट, प्राइमरी डेल्यूजन्स होंगे। तो अब देखिए, डीपर्सनलाइजेशन, राइट। सो डीपर्सनलाइजेशन जो है, दैट इज़ नॉट फर्स्ट रैंक सिम्टम। डीपर्सनलाइजेशन का मतलब उसको लगता है कि मैं चेंज हो गया हूँ, आई हैव चेंज्ड। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा फीलिंग नहीं आता है स्किज़ोफ्रेनिया में कि मैं चेंज हो गया हूँ, राइट। सो डीपर्सनलाइजेशन मीन्स ए फीलिंग ऑफ दैट आई हैव बीन चेंज्ड। तो ऐसा नहीं है फर्स्ट रैंक में। रनिंग कमेंट्री, यस, दैट इज सेकेंडरी। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऐसा लगता है कि समवन इज कमेंटिंग ऑन माई एक्शन, सो दैट इज़ पॉसिबल। प्राइमरी डेल्यूजन्स, यस, यहाँ पे प्राइमरी होंगे, कोई ट्रिगर नहीं है। बिजार डेल्यूजन्स होंगे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डेल्यूजन हो सकता है, फॉल्स बिलीफ हो सकता है। सेकेंडरी डेल्यूजन्स आर नॉन बिजार, मीन्स दे आर रिलेटेड टू वन थिंग ओनली। किसी को लव की फीलिंग है, किसी को हेट जेलसी की फीलिंग है, किसी को ओबेसिटी की फीलिंग आ गई है, राइट। तो वो टिपिकल एक चीज़ से रिलेटेड है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी इज नॉर्मल। बट इन सिज़ोफ्रेनिया प्राइमरी बिजार डेल्यूजन्स आर देयर, किसी भी चीज़ से हो सकता है। सोमेटिक पैसिविटी, यस, सोमेटिक एक्शंस आर नॉट एक्टिव, राइट, हमेशा लेटा रहता है, काम नहीं करता है, मसल्स ऐसा लगता है उसको काम नहीं कर रहे हैं, तो सोमेटिक पैसिविटीज थे, राइट। सो इट इज़ डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन विच आर नॉट द फर्स्ट रैंक सिम्टम। डीपर्सनलाइजेशन में लगता है कि मैं चेंज हो गया, और डीरियलाइजेशन में लगता है कि दुनिया चेंज हो गई है, तो वो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है। देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स एक्सेप्ट। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर मीन्स आप अपनी इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, राइट। आप सोचते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं करना, लेकिन आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे। पायरोमेनिया, डेट इज फायर, फायर सेटिंग, आग लगा देते हैं, राइट, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ट्राइकोटिलोमेनिया, हेयर पुलिंग, पूरे दिन बाल नोचते रहते हैं। क्लेप्टोमेनिया, स्टीलिंग द थिंग्स, चोरी करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उठा लेते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस पर, राइट, जबकि उनको पता है वो गलत है, बट मजबूर है, छोटी छोटी चीज़ें चुरा लेते हैं, जो कि ऐसा कुछ लगे कि चुराने की ज़रूरत क्या थी। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ नॉट द इम्पल्स डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया इज़ द टिपिकल साइकोटिक डिसऑर्डर, राइट, दैट इज टिपिकल साइकोटिक डिसऑर्डर, नॉट द इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर। दैट इज थॉट डिसऑर्डर, दैट इज थॉट डिसऑर्डर, राइट। सो दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड लक।